भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार दो मंजिलों के एआरओ के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एनएक्सी भवन के सभागार में किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्वाचन संबंधित बारीकियों को बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा की निर्वाचन नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण, मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन सहित मतदान केंद्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी द्वारा दावा आपत्ति के संबंध में जानकारी दी गई, जिसके संबंध में बताया गया कि दावा आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर तक होगा। 5 जनवरी 2022 को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके तथा छूटे हुए मतदाता मतदान केंद्र में फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीना, एसडीएम सहजनवा सुरेश राय, एसडीएम गोला राजेंद्र बहादुर सिंह सहित गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल के एसडीएम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने कहा, तो बीएससी के डेटे किस तरह का आ रहा है, क्या ऐसे कुछ लोग आपके डेटाबेस में आ गए जिनका फोटोग्राफ मैच कर रहा है वो जगह से? साथ में बीएससी का ही है, बीएससी के लिए प्रयास करते थे, बीएससी से रिमूवल थोड़ा कठिन हो जाता था, इसलिए कि वो पांचों फील्ड मैच नहीं करती थी, लेकिन फोटो तो एक ही होगा। तो आयोग ने अभी दो दिन पहले ये डायरेक्ट किया था कि हम ईआरओ साहबान को पीएससी के बारे में क्लियर कर दें, और वो लोग पीएससी को क्लिक करके उसकी चेकलिस्ट जनरेट करके पीएससी पर कार्रवाई कर ले, ठीक है। इसकी प्रिंट की भी फैसिलिटी है, आपको यही करना है कि चेकलिस्ट जनरेट करके उसे प्रिंट कर बीएलओ को दे देना है, और आप देखिए इनके पास एक ही व्यक्ति के पास एक जगह ये तबला देवी राजेंद्र है, दूसरी जगह शांति देवी विजय है, एक ही महिला दो नामों से है। सभी लोगों को आना चाहिए, आज भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पे दो मंडल गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों के 49 एसडीएम साहबान, ईआरओ साहबान, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी साहबान आए हुए थे, और दिन भर का इनका प्रशिक्षण हुआ। इनको ये बताया गया कि जो निर्वाचक नामावली है उसका पुनरीक्षण कार्य करना है, तो उसमें क्या क्या विधिक क्या क्या नियम हैं, कैसे उन चीज़ों को करना है, और साथ में उनको ईआरओ नेट का प्रशिक्षण भी दिया गया है। नहीं, ईआरओ नेट है जो व्यक्ति मतदाता बनना चाहता है उसको फॉर्म 6 भरना होता है, तो फॉर्म 6 भरने के बाद जो कार्य होता है वो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को करना होता है, उनके क्या कार्य हैं, कैसे करना है, ये सब प्रशिक्षण दिया गया है।